को सही ढंग से चलाने का जो आयाम है वह प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। चक्राज को एक्टिवेट करने के लिए भिन्न भिन्न प्राणायाम भिन्न भिन्न चक्राज को एक्टिवेशन के लिए होता है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसके अनुसार प्राणायाम करें और अपने सभी चक्राज को एक्टिवेट करें। प्राणायाम के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, अतः सभी व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे प्राणायाम करना चाहिए। धन्यवाद। पहला जो है सांस को पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद करना है। सांस को लेना है, अंदर भरना है। जब अंदर हम सांस को भरते हैं तो पेट को बाहर आना चाहिए। ध्यान दें, कंसंट्रेट माइंड सेट से हमको करना क्या है, जब हम सांस भरते हैं जैसे वैल्यूम में हवा भरते हैं, ठीक उसी तरह जो है हम जब अपने अंदर हवा भरते हैं तो पेट को बाहर आना चाहिए। तो पहला प्राणायाम में पहला स्टेप होता है सांस को भरना, मतलब हवा को भरना। सांस लेने की क्रिया में हवा को भरना, तो हवा को अंदर भरेंगे, फिर रोकेंगे, कुछ समय के लिए रोकेंगे जितना रोक सकें। उसके बाद क्या करना है, फिर छोड़ना है। तीसरी क्रिया है छोड़ने की क्रिया, और चौथी क्रिया है बाहर रोकने की क्रिया। जितना समय तक रोक सके, उसका समय होता है लेकिन कोई समय नहीं लेना है, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार बाहर रोकें। यही क्रिया बार बार करनी है, यही क्रिया प्राणायाम कहलाती है। इसी के कई चरण होते, कई पार्ट होते हैं, लोग कहते हैं अनुलोम विलोम सब में बांटा गया है, लेकिन मेन प्राणायाम यही होता है, सांस को लेना, रोकना, छोड़ना, बाहर रोकना। यही क्रिया बार बार करना प्राणायाम कहलाता है। तो अब आप लोग करेंगे, सबसे पहले सांस को लेना है, कोई नाक ना बंद करना है, ना करना है, ना छू छाछा करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक एकदम सिंपल तरीका। जैसे हम सांस लेते हैं, बस ये ध्यान देना है कि जब बैलून में जैसे हम हवा भरते हैं, ठीक उसी तरह जब हम अपने अंदर हवा भर रहे हैं तो पेट को बाहर आना चाहिए, ये ध्यान देना है। जब बाहर निकालते हैं तो पेट को अंदर जाना चाहिए। जिस बैलून को हम खोल देते हैं तो वो बाहर निकल जाता, पिचक जाता है, उसी तरह पेट भी पिचक जाना चाहिए। इसी क्रिया को आप लोग करें 5 मिनट तक। सांस को भरें, पेट बाहर आना चाहिए, रोकें, अपनी क्षमता अनुसार रोकें, अब छोड़ें, बाहर रोकें। रिपीट दिस प्रोसेस मिनिमम 15 टाइम। इस आसन को ताड़ासन कहते हैं। यह आसन करने से लंबाई बढ़ती है, शरीर के खिंचाव से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। इस तरह हमें आसन करना चाहिए, इससे हम फिजिकली स्वस्थ होते हैं। प्राणायाम से हम मेंटली, फिजिकली
और स्पिरिचुअली दोनों स्वस्थ होते हैं। अतः हमें प्राणायाम और आसन दोनों करना चाहिए। मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल, मैं ब्रेन ट्रेनर हूँ। मैं समर कैंप 1 जून से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका आप फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चे का ब्रेन ट्रेंड कर उसको अच्छी तरह से तैयार करें ताकि वह जुलाई में अपने मैटर को अच्छी तरह से याद कर सके, तैयार कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जल्द ही कीजिए और संपर्क करें 9453081534। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही संपर्क करें